अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? जैसे टाइटल तो मतलब आपने देख ही लिया होगा और थंबनेल भी देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से आप सबको पता है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की गई है, पूरी दुनिया लॉकडाउन की गई, जिसकी वजह से आपको पता है मतलब कि फ़्लाइट्स, वीज़ा सब कुछ जो हैं वो रुक गए हैं, स्टॉप कर दिए गए हैं। तो यूएई हुकूमत ने, जो यूएई गवर्नमेंट है यानी यूनाइटेड अरब इमारात जो गवर्नमेंट है, उसने ये मतलब अनाउंसमेंट की है कि जो मतलब कि परमानेंट वीज़े वाले हैं उन लोगों को मतलब कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो लॉकडाउन है, लाजिम मतलब कि उनको मतलब कि वीज़ा रिन्यू करना होता है, मतलब कि वीज़ा रिन्यू कर अगर नहीं करेंगे तो उनको मतलब कि फ़ाइन लगेगा। ठीक है, फ़ाइन यानी मुखालफा बोलते हैं, मुखालफा आएगा। तो मतलब कि अगर आपका जैसे लॉकडाउन 1 महीने तक रहता है, अभी आपका वीज़ा एक्सपायर या तो हो चुका है या होने वाला है, तो इन लोगों ने, यूएई हुकूमत ने 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने का टाइम। अगर मतलब कि एग्जांपल के जैसे कि अभी आपका 1 महीना हो गया, जैसे 1 महीने का टाइम होता है, तो आपने रिन्यू नहीं किया तो सारा लॉकडाउन हो गया है, तो उसकी वजह से यानी 3 मंथ तक आप अगर रिन्यू नहीं करेंगे लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद आप रिन्यू करेंगे तो आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं आएगा, कोई मुखालफत नहीं आएगा, विदाउट फ़ाइन, विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम्स आपका वीज़ा जो है ये रिन्यू कर दिया जाएगा। ये मैं सिर्फ जो पक्के यानी परमानेंट वीज़ा जिसको हम कहते हैं, परमानेंट पक्का वीज़ा जो होता है जैसे कंपनी का या किसी अरबी का, लोकल का, उसकी बात कर रहा हूँ। वीज़े की नहीं, सिर्फ वीज़े की बात कर रहा हूँ, वीज़ा यानी कि परमानेंट वीज़ा। तो आप लोग उसके जो है मतलब कि विदाउट किसी टेंशन, विदाउट किसी चीज़ के आप उसको अपना रिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम दे दिया यूएई हुकूमत ने यानी गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने मतलब कि अनाउंसमेंट कर दिए कि आपका कोई फ़ाइन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा 3 महीने का। 3 महीने के अंदर अंदर आप करेंगे तो 3 महीने का उसके बिल्कुल फ़ी, यानी कि फ़ी कुछ भी नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, यानी कि जो आपकी वीज़ा फ़ी होती है वो आप भरेंगे, आपके ऊपर कोई फ़ाइन, कोई मुखालफा कुछ भी नहीं आएगा। सो यानी कि आपको डरने की, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी सब प्रॉब्लम हुई हैं, तो सो प्लीज़ इससे अपना सफाई सुथराई रखें और इसको मजाक में मत लें, क्योंकि आप लोगों को सब पता ही है कि क्या कहते हैं, चाइना में पहले कितना मतलब कि प्रॉब्लम रही है, कितना लोग मर गए हैं। अभी खैर चाइना ने मतलब कि कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, मतलब कि दवाई वगैरह भी, वैक्सीन वगैरह बना ली है, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका और इटली बहुत ये इसमें यानी कि हाई फाई में जा रहे हैं, यहाँ से बहुत फैल रहे हैं, और पाकिस्तान में और इंडिया में भी ये सब फैल रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी रखें, और क्या कहते हैं, सब अपने घरों में रहें, प्लीज़ कहीं बाहर मत जाएं। यहाँ यूएई हुकूमत ने भी बिल्कुल सब कुछ बंद किया हुआ है, और मतलब कि 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी आप यहाँ से नहीं निकल सकते बाहर, अगर आप निकलेंगे तो आपका फ़ाइन आ जाएगा, और गाड़ी भी कहीं लेके, वैसे तो मतलब कि लॉकडाउन है क्योंकि इंसान की ज़रूरियात के लिए खाना वगैरह तो इंसान को बाहर निकलना पड़ता है, सिर्फ वो सुबह 6 से लेके रात 8 बजे तक वो भी आप निकल सकते हैं बाहर, लेकिन 8 बजे के बाद बिल्कुल सब चीज़ प्रॉपरली डाउन कर दी जाती है, यानी कि लॉकडाउन कर दी जाती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो अपना ख्याल रखें, यानी कि सबके लिए ये मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के लिए भी मैसेज है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सफाई सुथराई रखें, मास्क लगाएं, और बिल्कुल अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। और वीज़ा जो यूएई के लिए जो रह रहे हैं, यहाँ के रहने वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया कुछ, या विजिट वीज़े वाले भी अगर न्यूज़ आई है कि उनके लिए अगर वो मतलब कोई जाना चाहते थे, उनकी जो टिकट्स वगैरह थी सब कुछ था, उनका जो है प्रॉब्लम हो गई, अभी आप लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सके, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी आराम से अपना ईज़िली अपने होम कंट्री जा सकते हैं। और जो परमानेंट वीज़े वाले हैं वो भी अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उनकी ऊपर। मतलब कुछ लोग फिक्र करते हैं कि मतलब जैसे कि अभी वीज़ा ऊपर हो गया, यानी कि वीज़ा अवर हो गया, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद अवर डेट हो गई है जितनी होती है, तो उसके पर लोग बहुत सारे डर रहे हैं कि फ़ाइन आ रहा है, मुखालफा आ रहा है, तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यूएई गवर्नमेंट ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि आप लोग बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी मतलब के प्रॉब्लम के इस वीज़े को अपना रिन्यू कर लेंगे, और ईज़िली अगर जो मतलब कि जो अवर स्टे हो जाते हैं वो मतलब विजिट वीज़ा वाले वो भी अपने होम कंट्री जा सकते हैं। सो यही न्यूज़ थी आज, तो किसी को भी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ओके, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।